देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ फैलसी जो कि एविडेंस के हवाले से है, दैट इज क्वेश्चनेबल कॉज। दिस फैलसी अकर्स व्हेन एन आर्ग्यूअर गिव्स इनसफिशिएंट एविडेंस फॉर अ क्लेम दैट वन थिंग इज द कॉज ऑफ एन अदर, के विदाउट नोइंग द फैक्ट के साइंटिफिक रिलेशनशिप एक कॉज एंड इफेक्ट के बीच में है या किसी एक फैक्टर के वजह से कोई आउटकम आता है या कि नहीं, उसकी साइंटिफिक रीजन को आइडेंटिफाई करने की बजाय यू स्टार्ट बिलीविंग ऑन दैट कि यही इसकी वजह है, या जब जब ऐसा होता है तब तब वैसा होता है कि पहले कुछ हुआ। जैसे मैंने आपके साथ पहले भी एक एग्जांपल शेयर की थी कि समवन इज स्नीजिंग और उसके स्नीज करने की वजह से लाइट जो है वो चली जाती है, तो आप ये बता लो कि ये जब छींकता है या इसके छींकने की वजह से लाइट चली जाती है, तो देर इज नो स्पेसिफिक साइंटिफिक रीजन बिटवीन दिस स्नीज एंड द पावर ऑफ, लेकिन आप इस पे बिलीव कर रहे हैं। साइंटिफिकली या लॉजिकली इट्स नॉट ट्रू, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो लैक ऑफ एविडेंस यहाँ पे आ जाता है या इनसफिशिएंट एविडेंस आ जाता है, तो उसकी बेस पे फिर हम कह सकते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप एज सच एग्जिस्ट करता नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, सो ये क्वेश्चनेबल कॉज है। अब ये तीन तरह की कॉज हो सकती है, या कॉज के हवाले से या क्वेश्चनेबल कॉज के हवाले से तीन तरह की सब टाइप्स ऑफ फैलेसीज इसमें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। उनमें एक है पोस्ट हॉक फैलेसी, एक है मेयर कोरिलेशन फैलेसी एंड द थर्ड वन इज ओवर सिंप्लीफाइड कॉज फैलेसी। लेट्स नो अबाउट दीज टाइप्स के ये क्या हैं। पोस्ट हॉक फैलेसी, दिस फैलेसी अकर्स व्हेन एन आर्ग्यूअर अज्यूम्स विदाउट एडिक्वेट रीजन दैट बिकॉज वन इवेंट प्रिसीड्स एन अदर दैट द फर्स्ट इवेंट वॉज द कॉज ऑफ द सेकेंड। कोई एडिक्वेट रीजन नहीं है या साइंटिफिकली इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन क्योंकि कुछ पहले हुआ और उसकी अक्रेंस की वजह से कोई आउटकम आया या कोई कॉन्सिक्वेंस आया, तो ये अज्यूम कर लेना कि वो जो भी कुछ हुआ है, जो आउटकम आया, उसकी रीजन पहले वाला फैक्टर है, क्योंकि उस पहले फैक्टर की वजह से दूसरा जो हमारा इफेक्ट है या इंसिडेंट है वो अकर हुआ। द आइडिया दैट इफ एन इवेंट हैपन्स इमीडिएटली बिफोर एन अदर सेपरेट इवेंट दैट द प्रायर इवेंट कॉज द फॉलोइंग इवेंट, कि किसी चीज के होने से पहले जो भी कुछ हुआ है उसको उसकी कॉज कंसिडर कर लेना। आई स्नीज्ड एट द सेम टाइम द पावर वेंट ऑफ, माई स्नीज डिड समथिंग टू मेक द पावर गो ऑफ, मतलब मेरे छींकने से बिजली चली गई, तो मेरा ये क्लेम कि मेरे स्नीज करने की वजह से लाइट का जाना, मतलब ये कि मेरे स्नीज में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी पावर्स हैं कि उससे लाइट चली जाती है, जो कि टोटली इलॉजिकल है, तो ये पोस्ट हॉक फैलेसी होगी, क्योंकि जैसे मैंने छींका वैसे ही लाइट चली गई, तो ये अज्यूम कर लेना कि छींकने की वजह से लाइट गई है, ये होगा पोस्ट हॉक फैलेसी। अब इसमें इनसफिशिएंट एविडेंस है, आपने बाकी फैक्टर्स नहीं देखे कि क्या चल रहे हैं। देन देयर इज अनदर एग्जांपल के आपको पता ही है, सुबह सुबह मुर्गा जो है वो अजान देना शुरू हो जाता है, वो बोलना शुरू कर देता है। अब ये अज्यूम कर लेना कि उसके बोलने की वजह से सूरज निकलता है, अगेन अ पोस्ट हॉक फैलेसी, क्योंकि वो जब जब बोलता है तब तब सूरज निकल आता है। इट डजंट मीन कि रूस्टर के बोलने में इतनी पावर है या उसकी आवाज़ में इतनी पावर है कि उससे जो है वो सूरज निकल आता है, ये क्वेश्चनेबल कॉज है, इसकी कोई तुक नहीं बनती है, साइंटिफिकली इट्स नॉट पॉसिबल। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चनेबल कॉज दैट इज मेयर कोरिलेशन फैलेसी।
विदाउट नोइंग द एडिक्वेट रीजन आप ये अज्यूम करना दैट बिकॉज टू कंडीशंस और इवेंट्स रेगुलरली अकर टुगेदर दैट देयर मस्ट बी अ कॉज रिलेशन बिटवीन देम, कि जब जब कुछ होता है तो उसके होने की वजह से या उसके फौरन बाद कोई इफेक्ट उसका आता है, कोई आउटपुट आता है, तो अज्यूम कर लेना कि इस आउटपुट की रीजन यही है, यही फैक्टर है. द आइडिया that if two events happen at the same time that one causes the other, koi bhi do ikatthe waqiat is tarah se hon back to back, to hum consider kar lete hain ki whatever is happened first usko hum reason samajh lete hain, usko hum cause samajh lete hain other incident ki. Example hai, every 52 years the Aztecs would sacrifice tens of thousands of prisoners to the sun god to avoid the earth coming to an end. एक कबीला है कोई, वो हजारों लाखों की तादाद में कैदियों को की सैक्रिफाइस करता है, उनकी बलि चढ़ाता है, जो सूरज है उसके सामने, सिर्फ इसलिए कि वो ज्यादा हीट अप करके अर्थ को तबाह ना कर दे, हमारी लाइफ ना खत्म हो. तो ये अज्यूम कर लेना, क्योंकि उनका अकीदा है तो ये अज्यूम कर लेना, दी अर्थ नेवर डिड कम टू एन एंड, देयरफॉर वो इस तरह से इतने कैदियों को सेक्रीफाइस करते हैं सूरज के सामने ताकि जिंदगी जो अर्थ है वो तबाह ना हो, और उनका अकीदा है कि ऐसा करने से कभी भी अर्थ के ऊपर तबाही नहीं आएगी, खत्म नहीं होगी लाइफ. देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग थाउजेंड्स ऑफ द सन गॉड, थाउजेंड्स टू द सन गॉड हैज प्रिवेंटेड द एंड ऑफ द वर्ल्ड. जैसे हम देखते हैं काफी मजाहिब ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे बिलीव्स मौजूद होते हैं, वो बिलीव्स ज्यादातर मेयर कोरिलेशन फैलेसी में आते हैं. जैसे मंगल को पैदा होने वाली लड़कियों की शादी जिससे भी होती है उनको मनहूस समझा जाता है, उनकी शादी जिससे भी होती है वो उनके पूरे खानदान के लिए एक नहुसत साबित होती है. तो वो क्या अज्यूम करते हैं कि मंगल के दिन पैदा होने वाली लड़कियों की पहले शादी जो है वो केले के दरख्त के साथ करवा दी जानी चाहिए. इसी टाइप के कई अकीदे कई मजाहिब में हैं, उससे उनकी नहुसत खत्म हो जाती है. तो जब तक ऐसा होता रहेगा मंगल को पैदा होने वाली लड़कियों की मनहूसियत खत्म होती रहेगी, उनके अंदर जो नहुसत है वो खत्म होती रहेगी. ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब देयर इज नो लॉजिकल सेंस बिटवीन बोथ ऑफ द इंसिडेंट्स, लेकिन उसके अंदर आप एक खामखा के रीजन बना रहे हैं, आपका एक अकीदा है. तो रिलीजियस काफी ऐसे बिलीव्स हैं जिनको आप मेयर कोरिलेशन फैलेसी में जो है वो कंसीडर कर सकते हैं. देन देयर इज एन अदर टाइप ऑफ क्वेश्चनेबल कॉज, ओवर सिंप्लीफाइड कॉज फैलेसी, नाम से ही पता चल रहा है. दिस फैलेसी अकर्स व्हेन एन आर्ग्यूअर अज्यूम्स विदाउट सफिशिएंट एविडेंस दैट अ सिंगल कंडीशन और इवेंट इज द सोल कॉज ऑफ सम इफेक्ट when there are in fact other contributing causes, ki multiple causes jo hain unka ek outcome ho sakta hai ya us ek outcome ki multiple reasons ho sakti hain, but you are relying on a single reason, ye hogi oversimplified cause fallacy. jaise aksar hamare yahan mothers karti hain कि बच्चा जो है वो अगर खुदा ना खास्ता उसके मार्क्स कम आ जाएं तो वो कहती है सारा दिन टीवी देखता रहता है, सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता है. भाई मोबाइल पे वो जितना भी टाइम स्पेंड करता है, अगर तो वो पढ़ाई पे थोड़ा टाइम भी इन्वेस्ट करता है तो उसको कॉन्सेप्ट समझ आ जाने चाहिए, एटलीस्ट वो पास तो हो सकता है या एक एवरेज लेवल के ग्रेड्स तो वो ऑब्टेन कर सकता है. लेकिन दे लव टू ओवर सिंप्लीफाइड द कॉज के मोबाइल की वजह से है, बदतमीजी की, कोई गड़बड़ की मोबाइल की वजह से, तो ओवर सिंप्लीफाई कर देती हैं कि मोबाइल इज द ओनली रीजन,
जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बात नहीं मान रहा, इसका मोबाइल ले लो, क्योंकि मोबाइल ओनली रीजन है उसकी। और इसमें जैसे एक एग्जांपल है, स्मोकिंग हैज बीन एम्पिरिकली प्रूवन टू कॉज लंग कैंसर। हम जानते हैं कि स्मोकिंग से लंग्स कैंसर होता है। अब इसको ओवर सिंप्लीफाइड कैसे किया जा रहा है, देयरफॉर इफ वी इरेडिकेट स्मोकिंग वी विल इरेडिकेट लंग कैंसर। भाई लंग कैंसर जो है वो स्मोकिंग से सिर्फ नहीं होता, स्मोकिंग से होता है, लेकिन सिर्फ स्मोकिंग इसकी रीजन नहीं है। इट डजंट मीन कि स्मोकिंग खत्म कर दी जाए तो लंग्स कैंसर भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह एग्जांपल है, सैड स्कोर्स हैव फॉलन शार्पली सिंस द 1960s। क्लियरली स्टूडेंट्स आर वॉचिंग टू मच टीवी, या मोबाइल वाली एग्जांपल जो मैंने आपके साथ शेयर की, ओवर सिंप्लीफाइड कॉज। तो ये भी फैलेसी है, विदाउट नोइंग दी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एविडेंस यू आर बिलीविंग, या हम कह सकते हैं यू आर कंसिडरिंग अ सिंगल फैक्टर एज अ कॉज ऑफ अ पर्टिकुलर इफेक्ट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चनेबल कॉज के बाद इनसफिशिएंट एविडेंस अम्ब्रेला के अंडर एक और फैलेसी आती है, हेस्टी जनरलाइजेशन। जल्दी जल्दी में आप चीजों को जनरलाइज कर रहे होते हैं विदाउट नोइंग दी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। दिस फैलेसी अकर्स व्हेन एन आर्ग्यूअर ड्रॉज अ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ सैंपल दैट इज ईदर बाइज्ड और टू स्मॉल। के एक पॉपुलेशन है, स्कूल्स हम ये बात करते हैं कि किसी एक यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट से हम मिलते हैं और हमें लगता है कि वो इंटेलेक्चुअली काफ़ी एक्सपर्ट है, काफ़ी स्मार्ट है वो, तो हम ओवर सिंप्लीफाइड कर देते हैं, या हम एक आप कह लें कि हेस्टी जनरलाइजेशन कर देते हैं कि ये स्टूडेंट जो है बहुत इंटेलिजेंट है और ब्राइट है, और ये सपोज किसी भी यूनिवर्सिटी एक्स वाई जी का स्टूडेंट है। अब इसमें हिस्ट्री जनरलाइजेशन क्या है कि एक यूनिवर्सिटी में हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनमें से यू हैव मेट ओनली वन स्टूडेंट, लेकिन उस वन स्टूडेंट के बारे में जो आपकी जजमेंट है उसको आप जनरलाइज कर देते हैं ऑन ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द सेम यूनिवर्सिटी। जैसे क्लास में अगर एक बच्चा मिसबिहेव करता है तो उसकी बेस पे कह दिया जाए कि ये तो पूरी की पूरी क्लास ही बदतमीज है, बेस्ड ऑन वन आइटम, बेस्ड ऑन वन स्टूडेंट, बेस्ड ऑन वन एलिमेंट, आप उसकी करेक्टरिस्टिक्स को जनरलाइज कर देते हैं टू द होल पॉपुलेशन। अब इसमें दो बेसिस हैं जो कि हिस्ट्री जनरलाइजेशन की वजह बन सकती है, एक तो अगर आपका सैंपल बाइस्ड हो, और एक ये कि अगर वो बहुत छोटा सैंपल हो, कि हजारों में से अगर आप 10 लोगों को पिक करते हैं तो उन 10 लोगों के अंदर वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं होंगी जो उस यूनिवर्सिटी के हजारों स्टूडेंट्स के अंदर होंगी। उन 10 में हो सकता है सैकड़ों करेक्टरिस्टिक्स तो हों, हंड्रेड्स की तादाद में तो हों, लेकिन वो थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट ना कर सकते। इसी तरह से ये क्या होगा, टू स्मॉल सैंपल होगा, और उन 10 लोगों की बेस पे आपको जी ये 10 ऐसे हैं तो इस यूनिवर्सिटी के बाकी हजारों स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसे हैं। हेस्टी जनरलाइजेशन, जल्दी में आपने जनरलाइज कर दिया अपनी फाइंडिंग्स को। इसी तरह से अगर सैंपल बाइस्ड हो, कि अगर हम अज्यूम करते हैं आपने ये प्रूव करना हो कि फीमेल्स जो हैं या जो वर्किंग फीमेल्स हैं दे कांट बी गुड इन देयर पर्सनल लाइफ या जो मैरिटल लाइफ है उसमें, तो उसकी बेस पे आपने जब ये प्रूव करना हो कि फीमेल जो है वो घर और पर्सनल लाइफ को बैलेंस, वर्किंग फीमेल जो है वो घर और जो उसकी ऑफिस लाइफ है या वर्क लाइफ है उसको मैनेज नहीं कर सकती है, तो आप ऐसे लोगों का सैंपल लो जो कि मैनेज ना कर सकते हैं, ऐसी फीमेल्स जो वर्किंग फीमेल्स हैं सिर्फ उनको इंक्लूड करो जिनके वर्क लाइफ बैलेंस बैलेंस ना हो बल्कि वो इम्बैलेंस हो, तो ये बाइस्ड हो जाएगा। आपने जानबूझ के जो आप कहना चाहते हैं उस बात को प्रूव करने के लिए आपने सैंपल ही ऐसा लिया और उसकी बेस पे फिर जनरलाइज कर दो,
कि हाँ जितनी भी वर्किंग लेडीज हैं दे आर नॉट गुड इन देयर वर्क लाइफ बैलेंस। अब इसमें टारगेट पॉपुलेशन वो होती है कि जिसके बारे में आपने कोई क्लेम करना है, जैसे पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ओवरऑल कैसे होते हैं, आप दो चार पाकिस्तानियों को लेके उनको स्टडी करो और देखो कि उनका वो कैसे हैं, और फिर पूरे पाकिस्तानियों के लिए वो चीज़ वो फाइंडिंग्स जनरलाइज कर। अब हिस्ट्री जनरलाइजेशन की वजह से यूजली फॉल्स स्टीरियोटाइप्स बनते हैं। अक्सर हमारे कल्चर में क्या हो रहा होता है कि फीमेल्स हैं वो कैसी होती हैं, 1,000 में से या 100 में से कोई एक दो फीमेल्स होंगी जो कि एज पर मेल साइकी वो ज़्यादा बोल्ड हैं, या लड़की को ऐसा होना नहीं चाहिए, या वो एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स अगर लड़की के अंदर मौजूद हैं तो वो एक खराब लड़की है, और उसकी बेस पे फिर जनरलाइज कर देना कि लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, स्टीरियोटाइप्स। माई फादर स्मोक 4 पैक्स ऑफ सिगरेट्स अ डे सिंस एज 14 एंड लिव्ड अंटिल एज 69, देयर फोर स्मोकिंग रियली कांट बी दैट बैड फॉर यू। के मेरे फादर जो हैं वो 14 ईयर से डेली बेसिस पे 4 पैकेट सिगरेट के पी जाते थे और उनकी एज जो है वो 69 तक गई। दैट मीन्स के स्मोकिंग जितनी इंजूरियस समझी जाती है उतनी है नहीं है। अब ऐसा नहीं है आपके फादर की हेल्दी डाइट होगी, उनकी वो एक्सरसाइज करते होंगे, रूटीन उनके डिफरेंट होगी, उनका जो बॉडी की उनकी कंपोजिशन है वो डिफरेंट हो सकती है। इट डजेंट मीन के सारों के इंटरनल ऑर्गन इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो 69 ईयर्स तक 4 पैकेट्स ऑफ सिगरेट पीने के बावजूद भी जिंदा रहेंगे या उनको कोई बीमारी लाहक नहीं होगी। इसी तरह से 4 आउट ऑफ 5 डेंटिस्ट जो है वो रिकमेंड करते हैं कि जो भी XYZ टूथपेस्ट है दैट इज अ गुड ब्रांड फॉर ओरल कैविटी प्रोटेक्शन। हमारे यहाँ अक्सर दिखाया जाता है, एड्स देख चलते हैं, आप देख रहे होते हैं कि सेंसोडाइन जो है वो या डव जो है वो 9, 10 में से 9 डॉक्टर्स ने इसको रिकमेंड किया, या जो डेंटिस्ट है वो इसको रिकमेंड करते हैं। अब जरूरी तो नहीं है आपने उन 10 से पूछा है तो, या उन्हीं 10 से आपने पूछा है, आप तो ये प्रूफ करना चाहते हैं ना कि आपकी ब्रांड जो है वो एक ओरल कैविटी प्रोटेक्शन के लिए एक सूटेबल और परफेक्ट या मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। तो आप उन लोगों के या उन डेंटिस्ट के रिमार्क्स क्यों ऐड में लेके आएंगे जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट के अलावा किसी को प्रमोट किया, या वो कोई और चीज़ रिकमेंड करते हैं, आप नहीं करेंगे। तो ये बाइस्ड सैंपल हो गया और उसकी बेस पे आप हेस्टी जनरलाइजेशन कर देते हैं। इसी तरह डिफरेंट तरह के पैंपर्स का कर लें तो 10 में से 8 माओ ने ये कहा तो फलां है और फलां है, हेस्टी जनरलाइजेशन, बाइस्ड सैंपल बेस्ड ऑब्जर्वेशन होती है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं, दैट टीनेजर इज स्पीडिंग देयर फॉर ऑल टीन्स आर बैड ड्राइवर्स। बच्चों के बारे में कहा जाता है ये इस तरह कर रहा है, इस एज में बच्चे सारे ही ऐसे होते हैं, या कोई एक वेट लिफ्टर है वो स्टीरॉइड्स अगर लेता है तो आप जनरलाइज कर दो जी सारे के सारे वेट लिफ्टर स्टीरॉइड्स लेते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं हिस्ट्री जनरलाइजेशन। देन एक और टाइप है फैलेसी की, स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप का मतलब ये है कि जैसे आपको एक कोई लकड़ी का तख्ता कर लें आप, या कोई स्लैब कर लें, वो इस एंगल से पड़ी हुई है कि ऊपर अगर उसके एक सिरे से आप बॉल उस पर रखते हैं तो वो फौरन से नीचे विद इन फ्यू सेकेंड्स वो नीचे आ जाती है, स्लिपरी स्लोप, कि आप टॉप से एकदम नीचे आ जाते हैं। दीज फैलेसीज अकर व्हेन समवन अज्यूम्स अ वेरी स्मॉल एक्शन विल लीड टू एक्सट्रीम आउटकम्स। कि एक छोटी सी बात, जैसे बात का बतंगड़ बनाना इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर स्लिपरी स्लोप। आज तुम इसको अक्सर जो रिलेटिव्स होती हैं हमारे यहाँ जो आंटियां होती हैं
वो चाहे फूफो हो, चाहे खाला हो, चची हो, ताई हो, वो क्या करती है? आज तुम इसको छूट दे रही हो ना, देखना कल को तुम्हारे सर पे जूते मारेगा। या आज तुम इसकी बात मान रही हो ना, ये कल को तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। इस टाइप की बातें, मतलब एक स्मॉलर एक्शन का वो इतना एक्सट्रीमियस आप कह सकते हैं आउटकम निकाल देते हैं। जैसे हमारे यहाँ अक्सर जो लड़कियां डाइट कॉन्शियस होती हैं या वेट के हवाले से वो ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, वो क्या टर्म यूज करती हैं कि हमें तो पानी भी ऑयल के जैसे लगता है। मतलब इट डजंट हैपन, लेकिन स्लिपरी स्लोप है कि अगर हम पानी भी पीते हैं तो वो भी ऑयल जितना वेट हमारा गेन कर देता है। एग्जाम्पल है, इफ यू गिव देम एन इंच दे विल टेक अ माइल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ एक और इसी तरह से इसी टाइप की एक सिमिलर एग्जाम्पल जो है वो मुहावरतन बोली जाती है कि इसको तो अगर पाँव धरने की जगह दो तो ये तो लेट ही जाएगा। इफ वी टीच टॉमी हाउ टू ड्राइव द कार ही विल वॉन्ट टू लर्न हाउ टू फ्लाई हेलीकॉप्टर्स नेक्स्ट। मतलब उसने कार सीखने की बात की है तो आप उसके बारे में एक क्लेम कर देते हैं कि आज ये कर रहा है, ये सीखने को कह रहे, तो कल को तो ये हेलीकॉप्टर सीखने की भी बात करेगा। एक्सट्रीम आउटकम, इफ आई ईट दिस डोनट टुडे आई विल प्रोबेबली ईट अनदर डोनट टुमारो। जरूरी नहीं है ऐसा हो, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन मैं जो काम करूं वो फिर मुझे आदत पड़ जाती है, मैं रोज ही कर रहा होता। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, नो डोंट ईट दिस दैट पीस ऑफ चॉकलेट टुडे, इट्स वन पीस ऑफ चॉकलेट बट टुमारो यू हैव गेन्ड 20 पाउंड। एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्लिपरी स्लोप एक्सट्रीम आउटकम्स पे जा रहे हैं। एक और फैलेसी है वीक एनालॉजी, कि आप दो ऐसी चीज़ों के दरमियान में कंपैरिजन कर रहे होते हैं जो कि एक्चुअली सिमिलर नहीं होती हैं, जो कि डिससिमिलर होती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये वीक एनालॉजी होगा कि दो ऐसे एलिमेंट्स, दो ऐसे सिचुएशंस या दो ऐसे इंडिविजुअल्स की बात की जा रही है, उनका कंपैरिजन किया जा रहा हो जो कि बहुत ज़्यादा डिससिमिलर हो, और उसकी बेस पे आप कुछ क्लेम अगर कर रहे होंगे तो वो वीक एनालॉजी वाली फैलेसी होगी। व्हाई डज अ फैमिली हु हैज नो चिल्ड्रन इन अ स्कूल डिस्ट्रिक्ट हैव टू पे स्कूल टैक्सेस? दिस इज लाइक पेइंग सिगरेट टैक्सेस इवन दो यू डोंट स्मोक। अब स्मोकिंग वाला जो आप सिगरेट टैक्स पे कर रहे हैं, या स्मोकिंग और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं वो टोटली डिफरेंट है, लेकिन आप उनके दरमियान उनको कंपेयर करते हुए जो है वो टैक्सेस की बात कर रहे हैं, या दोनों के टैक्सेस को कंपेयर कर रहे होते हैं। सिगरेट एक और चीज़ है, बच्चे जो हैं वो एक और चीज़ है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, गन्स आर लाइक हैमर्स, दे आर बोथ टूल्स विद मेटल पार्ट्स दैट कुड बी यूज्ड टू किल समवन। हथौड़ा और गन्स दोनों को के मेटल पार्ट्स होते हैं और दोनों ही किलिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं। एंड येट इट वुड बी रिडिक्यूलस टू रिस्ट्रिक्ट द परचेज ऑफ हैमर्स, सो रिस्ट्रिक्शंस ऑन परचेजिंग गन्स आर इक्वली रिडिक्यूलस। कि अगर आपको लगता है कि हैमर्स की परचेज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो क्योंकि वो भी मेटल पार्ट्स रखता है और मारने के काम आ सकता है, लेकिन उसको बैन नहीं किया गया, तो गन्स जो है उनके भी मेटल पार्ट्स हैं और वो मारने के काम आ सकते हैं, तो उनके ऊपर भी बैन नहीं होना चाहिए। अब वीक एनालॉजी हैमर जो है उसका प्राइमरी पर्पस इज डिफरेंट, गन्स जो है उनका तो प्राइमरी पर्सन जो पर्पस है दैट इज डिफरेंट, और गन तो मार के लिए ही यूज होता है, हैमर जो है वो उस पर्पस के लिए नहीं बनाया गया, ना ही दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन दे कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पस, दे कैन बी यूज्ड, दैट्स व्हाई आप दोनों को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। वीक एनालॉजी।
इसी तरह से एक सब्जेक्ट आपको लगता है कि उसमें लॉट्स ऑफ डिस्कशन इज रिक्वायर्ड, तो दूसरा सब्जेक्ट जो है उसमें चाहे डिस्कशन रिक्वायर्ड ना भी हो, लेकिन उन दोनों को आप कंपेयर करें तो ये वीक एनालॉजी आ जाएगी। देन इनकंसिस्टेंसी फैलेसी, के एक इंडिविजुअल एक बात करता है या एक क्लेम करता है तो उसके अपने क्लेम के अंदर ही कंट्राडिक्शन मौजूद होती है, वो इनकंसिस्टेंट प्रमिसेस प्रोवाइड कर रहा होता है टू द कंक्लूजन, या उसके कंक्लूजन और प्रमिसेस में इनकंसिस्टेंसी होती है। जैसे एक एग्जांपल है कि आई एम ऑल फॉर इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, खवातीन के जो हकूक हैं उनके लिए सपोर्ट के बारे में एक इंडिविजुअल क्लेम कर रहा है कि मेरी सपोर्ट खवातीन के हकूक के साथ है, और साथ ही वो क्या कहता है, आई जस्ट थिंक अ वुमेन्स प्लेस इज इन द होम। एक तरह वो वुमेन के इक्वल राइट्स की बात करता है और साथ ही वो कहता है कि औरत जो है उसको उसकी जगह घर में ही है, उसको घर में ही होना चाहिए। कंट्राडिक्शन है। फिर एक और एग्जांपल है, एक हे योगी व्हाट डू यू से वी ईट एट टूट्स टुनाइट, और योगी बैरा क्या कहता है, दैट प्लेस इज ओल्ड न्यूज। कंट्राडिक्शन देखिएगा, दैट प्लेस इज ओल्ड न्यूज, nobody goes there anymore, it's too crowded. एक तरफ तो वो कह रहा है कि वहाँ पे कोई भी नहीं जाता और साथ ही वो कह रहा है कि बहुत क्राउडेड है। ये अक्सर हमारे यहाँ जो टाल मटोल कर रहे होते हैं, जो लारा लगा रहे होते हैं, आपको टालते हैं, जिन्होंने आपका काम नहीं करना होता, वो इस टाइप की कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। इनकंसिस्टेंसी, वट एवर दे आर डूइंग, वो ऐसा उनका जो सेल्फ बिलीफ है या जो वो कह रहे हैं सेल्फ बिलीफ के साथ वो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। फिर आप यहाँ पे एक और क्लेम है, देयर इज नो इविल इन दिस वर्ल्ड, साथ ही क्लेम है दो इविल एग्जिस्ट इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इविल एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कुछ पार्ट्स में इविल एग्जिस्ट करता है जो कि कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। कंट्राडिक्शन इज देयर। तो ये इनकंसिस्टेंसी फैलेसी।